देखिए, ये एक एग्जाम्पल है कि जैसे हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, एक डाई को थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 या 6 में से कुछ भी आ सकता है। जो पॉसिबल आउटकम्स होती है उनको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। अब इस सैंपल स्पेस के सबसेट को हम इवेंट कहते हैं, सबसेट को हम कहते हैं इवेंट। इवेंट दो तरह की होती है, सिंपल और कंपाउंड। ये सब बातें वैसे कोई खास तो मुझे लगती नहीं है, बट सिर्फ आपको पता लग जाए इसलिए बता रहा हूँ। यूटिलिटी मुझे कोई खास नजर नहीं है। सिंपल इवेंट जो होती है वो होते हैं सिंगलटन सेट। जैसे 1 सबसेट लिया सिंपल इवेंट, 2 लिया सिंपल इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या होती है? ये सिंगलटन नहीं होते। ठीक। अब 1 के आने की प्रोबेबिलिटी, 1 तो हो गया सिंपल, मोर तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं 1/2 और मोर। अब ठीक है, यस यस दिव्या, 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी इज आल्सो 1/6, 3 के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 4 के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 5 के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 6 के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6। किसी बच्चे को कोई ऑब्जेक्शन है मुझे बताओ? इन बातों में यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो बताइए, कोई भी बच्चा? नहीं 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 नो 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 यस नो 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 गुड। तो अब आप देखो, तो 1 की प्रोबेबिलिटी, 2 की प्रोबेबिलिटी, 3 की, 4 की, 5 की प्रोबेबिलिटी और 6 की प्रोबेबिलिटी में से कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी मस्ट लाई फ्रॉम 0 to 1, 0 से लेके 1 तक कुछ भी हो सकती है, इनके बीच में होगी या 0 और 1 होगी। इट इज बिटवीन, बिटवीन में 0 और 1 इंक्लूड नहीं होंगे, ये भी इंक्लूड हो सकते हैं। सो इट मे बी 0, इट मे बी 1 एंड एनीथिंग बिटवीन 0 to 1। 0 भी हो सकती है, ठीक है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, इन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो सही सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। यह डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड वैसे 12th में आता है, बट वो सही डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी का नहीं है। लेट्स चेक। आप देखो, क्या बी किसी सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है या नहीं? बी की बात कर रहे हैं, जस्ट बी की। बच्चों क्या लगता है? ओके, काव्य रीजन बताना, जो भी आप लिख रहे हो, यस नो जो भी है उसका रीजन बताओ। क्यों लगता है हो सकता है, क्यों लगता है नहीं हो सकता? बाकी बच्चे बताओ, मैं माइक ऑन करा लूंगा, वरना मिशिता कह रही है यस नो नो यस यस नो चल रहा है बहुत सारा। रीजन भी देना अंश। ऊर्जा, ओके ये सही है। सुजल कह रहे मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, नॉट इंटरेस्टेड इन सब बातों में। का भी आंसर आ गया, ओके ठीक है। कोमल,
वर्मा जी, राजपूत जो हर क्वेश्चन का आंसर दे वो राजपूत। हाँ भी शर्मा जी, वर्मा जी, यस बिकॉज दिस 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 मिश्रित आंसर इज करेक्ट, और बताएंगे नहीं क्यों, और को नहीं बताएंगे। बी इज करेक्ट, यस नव्या करेक्ट है, बी कैन बी करेक्ट, बी इज करेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा हो सकता है क्योंकि आप देखो प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, यस, 0 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 हो सकती है, यस। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक कुछ भी हो सकती है, और इन सबका सम 1 आ रहा है या नहीं, हाँ या ना, यस और नो, यस, पता है। हाँ ठीक है, जो बच्चे जैसे ना गलत आंसर देते हैं सबसे ज्यादा वो सीखते हैं, क्योंकि वहां कंफ्यूजन था वो दूर हुआ। सर जीरो कैसे होगी, जीरो हो सकती है प्रोबेबिलिटी। सुनो, डाई को थ्रो करने पर सर, बट W2 इज इन सैंपल स्पेस, हाँ W2 सैंपल स्पेस में है, और सैंपल स्पेस में जो भी है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, हमने कहा था ना जीरो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, और जो सही देते हैं वो पहले से इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलिजेंट वर्ड सही नहीं है, उनको उस टॉपिक का बेटर आइडिया होता है उस वक्त। देखो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज, उस वक्त वो टॉपिक जिसके बारे में डिस्कशन चल रहा है और वो सही आंसर दे रहा है, इसका मतलब ये टॉपिक उनकी पकड़ में है। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, हाँ मैं बता रहा था कुछ बच्चों को डाउट है भी, यहाँ पे बहुत शानदार डाउट है, मैं उन बच्चों को शाबाशी देना चाहता हूँ, अपना डाउट रखने स्ट्रांगली रखने, और उन्होंने बात बहुत बहुत अच्छे से रखी है, वो ये है कि ये जीरो प्रोबेबिलिटी कैसे हो सकती है जबकि ये सैंपल स्पेस में है। ओके, विच देखो एक एक डाई है, एक डाई है, या ठीक, अब इस पर जो नंबर है अगर वो 1 2 3 4 5 6 है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो डाई को थ्रो करने पर ये पॉसिबल आउटकम्स हैं, बट मान लो किसी ने क्या करा, इस डाई में चेंज करा कि सब जगह 1 1 1 लिख दिया, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, बाकी सबकी 0 होती चली जाएगी। इज दिस पॉसिबल और नॉट, और ये तो मैं एग्जाम्पल मुझे बनाना पड़ रहा है, बात ये है कि हमारे पास सिंपल कंडीशन बच्चों ये है कि प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 तक कुछ भी हो सकती है, और उनके डिस्ट्रीब्यूशन का सम 1 होना चाहिए, दो कंडीशन है बस। क्योंकि हम लोग इसे कनेक्ट करने की कोशिश तो कर रहे हैं डाई के साथ, बट बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती है या एग्जांपल होते हैं जो हमारे दिमाग में भी नहीं आते, तो मैंने एक छोटी सी ट्राई करी है जिससे थोड़ा आइडिया लगे आपको कि ये 1 कैसे आ सकता है। देखो काव्य कह रहे हैं डाइस एक ही नंबर की कैसे होगी, उस पर पेंट करके लिख दो तुम 1 1 1 1, तुम काव्य 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 लिख दो उसमें चाहो तो, कोई दिक्कत है किसी को, डाइस पे काव्य 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 लिख दो बार बार, वेरी अनफेयर, अनफेयर फेयर का तो इश्यू ही नहीं है। एक बार बताओ मैथमेटिक्स तुम्हें लगता है फेयर सब्जेक्ट है,
बायस डाई है, बहुत बढ़िया। देखो मैथमेटिकल टर्म आ रही है, दिस इज कॉल्ड मैथमेटाइजेशन। देखो तुम्हें क्या लगता है, मैथमेटिक्स बहुत ही सही सब्जेक्ट है? इसमें ये लिख देते हैं, क्वेश्चन आता है कि एक आदमी 2 घंटे से खाना खा रहा है। ऐसे अजीब अजीब से कुछ, एक आदमी ने 100 तरबूज खरीदे, अभी 100 तरबूज कौन खरीदता है? कोई खरीदता है 100 तरबूज? उनमें से आधे वो खा गया। अरे खा के दिखाओ, कोई कैसे खा जाएगा? सो ये तो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल कंडीशंस के बारे में होता है, लॉजिक नहीं होते इन बातों में। ट्रेडर होगा, ये देखो हर्ष कह रहे हैं फेनेटिक की ये ट्रेडर होगा। अब वो जो खा गया वो क्या होगा? वो घटोत्कच होगा, वो कौन होगा? कुंभकर्ण होगा, वो जो खा जाता है। मैं 2 घंटे से खाना खा रहा था, ट्रेन आ गई, उधर से ही आ गई, आदमी भाग रहा था, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते। व्हाटएवर, खैर हमारा काम नहीं इतना सोचना। अब बताओ क्या सी कैन बी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? क्या सी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है? नो, ये देख लो, ये दोनों बहुत गलत हैं, बहुत गलत हो गया ये तो। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दिस कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ देखो ये भी नहीं हो सकता है, 1 से ग्रेटर हो गई। ई भी, डी भी नहीं है, और ई इसलिए नहीं है क्योंकि इन सबका सम 1 नहीं है। इज दिस क्लियर टू ऑल? बच्चों बताओ। बहुत बढ़िया। तो रख कर दें इसको, नेक्स्ट चलते हैं। 4 एंड 5 नॉट वैलिड, 3, 4, 5 भी नॉट वैलिड। लीजिए जी, टेन कार्ड्स हैं, नहीं 1 कार्ड निकालना है, 52 कार्ड्स हैं। डायमंड, 52 कार्ड्स में से कितने डायमंड होते हैं? 13। एस कितने होते हैं? 4। जो एस नहीं होते वो कितने होते हैं? 48। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26। डायमंड कितने होते हैं? 13। जो डायमंड नहीं होते वो कितने होते हैं? 39। ब्लैक जो होते हैं वो कितने होते हैं? 26। जो ब्लैक नहीं होते वो कितने होते हैं? वो भी 26। गुड भाई, एक बच्चा चल रहा है मेरे साथ, बिल्कुल साथ साथ, बात को पकड़ के एकदम, वर्ड बाय वर्ड। शाबाश, नाम नहीं बोलेंगे, बच्चे की समझ में आ जाता है सब क्या है। ठीक है, आपने 52 में से एक कार्ड निकाला, वो कैसा आया है? डायमंड। That means वो 13 में से कोई एक आया है। क्या ये क्वेश्चन सबकी समझ में आया है? 1/4 सही आंसर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 13/52 करेक्ट आंसर। अमीशी सी का यूज जरूर करते रहना बच्चे, बहुत काम आएगा फ्यूचर में। 11 से शुरू हो जाएगा, फिर 12 तक जिंदगी भर चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। आप देखो, आपने 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला एंड वो एस नहीं है, मीन वो यहां से आया है। सर इज इट ट्रू, एक डाउट आ रहा है अभी, बच्चों सुन लेते हैं। इज इट ट्रू दैट द जनरल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल इफ ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली? हाँ सही बात है, बाकी बायस के लिए भी हमारे पास फॉर्मूले हैं, वो चलेंगे, उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये मिशिता, शाबाश नव्या, वेरी गुड। तो अब देखो आपने जो कार्ड निकाला वो 48 में से कोई आया, तो 48C1। नेक्स्ट, आपने 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला एंड वो कैसा आया है? वो ब्लैक आया है। ब्लैक आया मतलब वो 26 में से कोई एक आया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है काम। आपने 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला और वो डायमंड नहीं है। डायमंड नहीं है तो मतलब वो 39 में से कोई एक है। आपने 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला और वो ब्लैक नहीं है। नॉन ब्लैक कितने होते हैं? 26। इनमें से कोई एक है। बताओ भी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ।
मेरे सबसे 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 प्यारे बच्चों, बताओ कोई परेशानी आ रही है क्वेश्चंस में? 11th का सिलेबस खत्म होने के आसपास है अभी तो। देखिए इलेवन के सिलेबस में बस दो ही टॉपिक नहीं आते, कौन से बताओ? हमें बताओ कौन से टॉपिक नहीं आते। ओके, डोमेन रेंज नहीं आता होगा। एक तो बच्चे अपने डाउट बता रहे हैं, ये देखो अपने अपने सारे सब बच्चे बता रहे हैं हमारे डाउट किस किस में। तो पहला डाउट आया है, बच्चे ने बताया है कि सर एक तो जीपी में दिक्कत है और डोमेन रेंज, चैप्टर टू बोले तो डोमेन रेंज ही होगा आई थिंक। मुझे डोमेन रेंज में मुझे भी दिक्कत है, हाँ जी मुझे भी दिक्कत है। डोमेन रेंज में तो बहुतों को दिक्कत होती है, बहुतों को दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्लास में डोमेन रेंज स्टार्ट करा देंगे, खत्म होते प्रगति की। कह रही है मुझे भी दिक्कत है, जीपी में दिक्कत है सर, मैंने बार में ज्वाइन करा था। ओके, डोमेन रेंज में मुझे भी दिक्कत है, वही करवा देना। तो समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, डोमेन रेंज में मोड वाले मुझे भी दिक्कत है। अंश गौड़ इनइफेक्टिव बेटा, याद है मुझे आपका एक क्वेश्चन रिवीजन में आएगा। रिवीजन स्टार्ट करेंगे हम, स्टैट को होल्ड पे ले लेंगे और हम पहले रिवीजन स्टार्ट करवाएंगे आपका। एक चैप्टर रोक के रखना पड़ता है जिससे कि आप लोग कनेक्ट रहो, इंटरेस्ट खत्म ना हो जाए। पहले चैप्टर टू, ओके चैप्टर टू बड़ी प्रॉब्लम लग रही है बच्चों की। सो वी विल सी, हम करा देंगे, हम करा देंगे, ऐसा करा देंगे, ऐसा करा देंगे कि हमें तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। दो महीने तो ऐसा करा देंगे, काश ऑफलाइन क्लास होती तो पता चलता आपको कितनी बढ़िया होता है। फिर भी हम यहाँ जान लगा देंगे दो महीने रेंज के लिए। कहते हैं हमारे पास 9 डिस्क हैं, रेड भी है, ब्लू भी है, येलो भी है। देखो जो क्लास में हम पढ़ाते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं तो खुद चाहता हूँ मुझे परेशान करो, आई एम हैप्पी। तो जो क्लास में हम पढ़ाते हैं उसका आई थिंक 25% ही हम ऑनलाइन में कवर कर पा रहे हैं। शायद मेरे स्टूडेंट्स, हालांकि 11th में हो बट उन्होंने देखा होगा पढ़ाते हुए, जो हमें थोड़ा आइडिया है, हम 25% कैपेबिलिटी पे काम कर रहे हैं फिलहाल अपनी। तो मुझे ऐसे में दुख होता है थोड़ा सा, मेरे जो बच्चे हैं ना, देखो वो बच्चे बहुत अच्छे हैं जो ऑलरेडी 90+ पर हैं, उनके लिए तो मैं हुई, लेकिन लेकिन मुझे उनकी ज्यादा चिंता होती है, मुझे उनकी ज्यादा चिंता होती है जिनको यहाँ पर है, यहाँ पर है, उनको आगे बढ़ाना है। ऑफलाइन में परेशान करोगे मुझे, देखते हैं कैसे करेंगे परेशान। मैं वैसे परेशान होता नहीं, पता है बच्चों। तो 9 डिस्क हैं, कहते हैं एक डिस्क निकाली, तो आपने तो 9 में से कोई एक निकाली एंड वो आई है रेड, वो आई है रेड। तो रेड आने के लिए उसे इन 4 में से कोई एक होना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, वेल डन बच्चों, करेक्ट आंसर आ रहे हैं, शाबाश। येलो, 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 येलो। तो अब वो 2 में से कोई एक आ गई। नेक्स्ट, अब वो ब्लू में से कोई, सब 4/9 भी तो सही है ना? यस सही है, बट सी का यूज करना सीखो श्री शोभित गौतम जी, श्री श्री शोभित गौतम जी, क्योंकि सी इज फ्यूचर, भविष्य है सी आपका। येलो वाला हो गया, रेड वाला हो गया, ब्लू वाला में 3 कर देंगे। 1C1 अमीशी, कौन सा वाला? नॉट ब्लू। 1C1 किसके लिए लिखा है आपने? सर हाउ कैन वी यूज सी इन रिपीटिशन? रिपीटिशन कहाँ आया, कहाँ आया रिपीटिशन? सेलेक्ट हो रहे हैं, अरेंज नहीं हो रहे। कोई भी बात हो, मैं आपको एक काम करता हूँ बच्चों, हालांकि थोड़ा रिस्की है फिर भी, फोर्थ पार्ट के लिए, फोर्थ पार्ट के लिए आप अगर किसी को ज्यादा डाउट हो ना तो अनम्यूट करके बोल के बताओ डाउट, ठीक है? जी या फिर हाँ अंश बोल के बताओ डाउट।
एक मिनट रुको, मेरा एक सेकंड होल्ड रखना जरा, मेरा मेरा यहाँ कुछ सिस्टम है। अब बोलो। हेलो हाँ अब बोलो, ठीक है, अब आवाज आ रही है मुझे। किसी ने अनम्यूट करा अपने आपको? पहले मेरे को साउंड नहीं आ रही थी बेटा, अभी अभी ऑन करी है मैंने आवाज। अगर किसी को डाउट है तो वो बोल के भी बता सकता है। हाँ जी, कोई बात? सर, हाँ जी बोलिए। सर मेरे को बस ये पूछना है कि सर अगर हमें सिलेक्शन करना हो बट रेपिटेशन ऑब्जेक्ट्स हो तो सर उस केस में कैसे करेंगे? क्योंकि अरे वो तो बहुत खतरनाक केस हो जाएगा उसमें, फिर केस बना बना के सर करते एक हैं उसमें, ये केस सर बना बना के, केस बना बना के, ओके सर ये ठीक है? सर वो डिफिकल्ट ओके सर क्वेश्चन है जो आप बोल रहे हो ना, वो इनफेक्टिव वाली सिचुएशन आनी शुरू हो जाती है फिर, ठीक है? तो प्रॉब्लम सर ओके सर ये आती सर है रिपीटेशन वालों में, बताएंगे इसको भी, ठीक है? बिल्कुल डन रहेगा यस सर आपका क्वेश्चन, आप हमारे ऊपर उधार है। और कोई बोलेगा? ये नव्या बोलेगी कुछ, है ना? नव्या कुछ बोल रहे हो? नहीं, अच्छा ठीक। और भी कोई बालक कुछ कहना चाहता हो? बालक बालिका सब अलाउड है। अच्छा मुझे पता लगा है, ये घर में तो बोलते हैं बहुत, और यहाँ बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे गाय गाय होती है ना, चुप रहती है बिल्कुल, भोले बन जाते हैं यहाँ पे। ये भानु है ना, ये खतरनाक है भोरू बोलने में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके चल, अच्छी बात है। वो देखते हैं नॉट ब्लू। अब देखो नॉट ब्लू निकालना है तो नॉट ब्लू वाले कितने? 2, 4, 6 कर दो। अच्छा नॉट ब्लू का एक और तरीका है भी नॉट ब्लू निकालने का। आपने ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकाली थी 1, 2, 3, ये रही 3/9। यस, तो नॉट ब्लू का प्रॉपर मेथड तो यही है कि 1 माइनस ब्लू बी नॉट कर दो। यस 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 यस, बहुत बढ़िया। सो एनके फिफ्थ फर्स्ट पार्ट हालांकि इजी है, बट मैं पता है इसमें आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाना चाहता हूँ, जरा देखिएगा। तो हमें निकालना है इधर रेड और ब्लू, तो रेड और बोले तो यूनियन और साथ में आ गया ब्लू, यूनियन। यस, तो ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे तो क्वेश्चन बुक वालों ने यही एक्सपेक्ट किया था आपसे कि आप ऐसे ही करेंगे, बट हम जुगाड़ लगा लेते हैं ना मोस्टली चीजों में। तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी इज आई थी 4/9, ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी वाज 3/9, एंड रेड भी हो ब्लू भी हो ऐसा तो कुछ था ही नहीं। सो आंसर इज यस 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 यस, बहुत बढ़िया रुद्र अमीशी सर। कैन वी डू बाई सी? हाँ सी से ही करा है बच्चे, सी से ही करा है ये सी से ही किया है। 4C1 9C1 - +3C1 9C1, फिर 0 तो आ ही रहा है, ऐसा आ गया आपका, ठीक है? आया समझ में या नहीं आया? सर विदाउट फॉर्मूला, विदाउट फॉर्मूला ऐसा है, रेड हो या ब्लू हो तो रेड भी चलेंगे ब्लू भी चलेंगे, सो दे कैन बी 7C1/9C1 डायरेक्टली। अब ठीक है, रेड और ब्लू देखें तो कितनी हो गई? 4, 3, 7 हो गई। ओके यस, दोनों होंगे, ऐड कर देंगे। यस यस, रटे पड़े क्वेश्चन 11 तो बिल्कुल चमका दिए, फुल मार्क्स आएंगे। डन है भाई, नेक्स्ट देखें। चलो एक मुश्किल क्वेश्चन पे आते हैं थोड़ी देर में, भी ये एग्जाम में आएगा, अगर किसी का पेपर हुआ है तो देखो आई होप ये आ सकता है, ये बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन, टीचर फुल मार्क्स देंगे, देने पड़ेंगे उनको, लड़ पड़ना वहां पे हम बताएंगे, लड़ाई लेने पड़ते हैं, अपना हक मांगो, बिल्कुल दिलवाएंगे आपको मार्क्स। देखिए जी, दो स्टूडेंट्स हैं, एक है अनिल एक है आशु। पता है जब प्रोबेबिलिटी चलती है ना तो बच्चों एक लाइन सोचा करो, अपने माइंड में रखो उसे, वो पता है लाइन क्या है? एक सिंपल सी लाइन प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, हो क्या क्या सकता है, हो क्या क्या सकता है। सिचुएशन देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, 10th में मेरे जबरदस्ती 7 मार्क काटे थे, क्या हो गया? नंबरों के खेल में मत पड़ो, ज्ञान के पीछे रहो, मार्क्स अपने आप आएंगे, कोई टेंशन नहीं, नहीं भी आएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई टेंशन नहीं, मार्क्स को लेके टेंशन नहीं, अगर पेरेंट्स लेते तो हमसे बात करवा देना, हम बता देंगे, ठीक है? मार्क्स नहीं, नॉलेज पे रहो, नॉलेज। चलिए जी, बहुत बढ़िया, टेंशन नहीं लेनी है,
आगे बढ़ना है। देखिए जी, दो बच्चे हैं, एक है अनिल एक है आशिमा, एग्जाम देने गए। अनिल विल क्वालिफाई उस एग्जाम को, इस प्रोबेबिलिटी अनिल क्वालिफाई करेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.05। अब यहां से मैं तुम्हें प्रोबेबिलिटी सोचना सिखाता हूँ अच्छे लेवल पे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि अब तुम लोग काफी मैच्योर हो गए हो इन क्वेश्चंस को समझने के लिए, अच्छे मेथड्स को समझने के लिए। एंड बोथ विल क्वालिफाई, अनिल एंड आशिमा, बिल्कुल सही बात, इज 0.02। ये कहते हैं अनिल ने भी क्वालिफाई नहीं करा और आशिमा ने भी नहीं करा। पहले तो मैं आपको नॉर्मली सिखाता हूँ जैसे आपको 11th में करके आते हैं। अनिल ने क्वालिफाई नहीं किया एंड आशिमा, कौन सी माँ, आशिमा ने भी क्वालिफाई नहीं किया, आशिमा। तो श्री डिमॉर्गन जी ने कहा था कि अनिल यूनियन, अभी चेक करते हैं, ये पूरे के ऊपर लग गया बार, तो डिमॉर्गन लॉस ये ऐसे हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू अनिल यूनियन आशिमा। अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला, अनिल आशिमा, कोई बालक कुछ बोलना चाहता है, एंड अनिल यूनियन आशिमा। अनिल इंटरसेक्शन, बस वैल्यू पुट कर दो, अब आगे शुरू हो जाएंगे आंसर सही, 0.05 एंड 0.10 एंड 0.02 एंड चेक योर आंसर। समझ में आता है तो आपका, नहीं आता तो मेरा शिकार है ये। 0.87 बहुत बढ़िया। सो क्योंकि सभी समझदार बालक बालिकाओं ने बताया है, so it is 0.87, किसी को कोई दिक्कत, एक बार समझ में नहीं आई एनोटेट कर दूं, एनोटेट कर तो तब पाओगे जब हम करने देंगे। चलो करो एनोटेट, अब कर लो। कहां करोगे एनोटेट, दिख ही नहीं रहा मैं तो। हाँ जी बताओ, क्या दिक्कत नहीं आई, ये कैसे आया? देखो इन्होंने कहा है अनिल नॉट क्वालिफाइड द एग्जाम, तो अनिल ने क्वालिफाई नहीं किया, ठीक, अनिल ने क्वालिफाई नहीं किया एंड आशिमा ने भी क्वालिफाई नहीं किया, तो अनिल का नॉट आशिमा का नॉट मिलकर हो गया, पूरे का नॉट करेंगे तो इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाता है। श्री डिमॉर्गन जी ने ये समझाया था सेट्स में, अभी समझ में आई बात नहीं आई? अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाता है, ये देख लो ये ऐसे। और बताइए किसी को कोई दिक्कत, आपको एनोटेट भी करवा दिया, चलो जी और बताते हैं। नेक्स्ट, एट लीस्ट वन ऑफ देम, ये सही है, एट लीस्ट वन ऑफ देम। अब मैं बताता हूँ यहां से कहानी, खेल ध्यान से सुनेंगे, मजेदार, ये थोड़ा अलग है, हो तो जाएगा वैसे। सिचुएशन देखो मैं बताता हूँ, अब मैं तुम्हें सोचना सिखा रहा हूँ, यहां से तुम्हारी जो है बिल्कुल 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 सही बात है, सही बात है, बढ़िया बताया आपने। सिचुएशन सुनो आप, देखो
हो क्या कह सकता है, मैंने ये बोला था ना, सिखाऊंगा आज आपको, वही सुनो आप। हाँ देखो, अनिल क्वालिफाई कर जाए एंड आशिमा भी क्वालिफाई कर ले, या जब भी या बोले प्लस, अनिल क्वालिफाई करे एंड आशिमा ना करे, या अनिल ना करे और आशिमा क्वालिफाई करे, या अनिल भी क्वालिफाई ना करे एंड आशिमा भी क्वालिफाई ना करे। क्या इन चार बातों से अलग कुछ और हो सकता है? तो इनकी प्रोबेबिलिटी का सम होगा वन। दूसरी बात, दूसरी बात, ये जो होता है ना यूनियन, कि अनिल ने क्वालिफाई करा और आशिमा ने करा, इसका मतलब है अनिल करे तो भी चलेगा, आशिमा करे तो भी चलेगा, दोनों करे तब भी चलेगा। तो ये दोनों वाला केस ध्यान से सुनना, थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है ये थोड़ा सा। इसमें दोनों ने क्वालिफाई करा, इसमें एक ने करा, इसमें एक ने करा, तो दिस इज होल इज यूनियन, कि किसी एक ने तो करा, तो ये होता है ऐसे। अभी समझ लो कि अनिल और आशिमा दोनों ने क्वालिफाई करा, यूनियन में काउंट होगा। अनिल ने करा, आशिमा ने नहीं करा, क्योंकि हमने कहा है ना अनिल करे या आशिमा करे या दोनों करें, तो दिस इज एक्चुअली यूनियन। दिस इज एक्चुअली यूनियन। और सुनो, अगर अभी भी दिक्कत आती है तो मेरे पास एक और ऑप्शन है, वेन डायग्राम। ये है अनिल क्वालिफाई कर रहा है, ये है आशिमा क्वालिफाई कर रही है। दोनों ने क्वालिफाई करा 0.02, अनिल ने किया इज 0.05, तो 0.02 तो यहां आ गया, तो 0.03 हो गया। आशिमा ने करा 0.10। अब ये बताओ क्या ये फिगर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक मिनट, सॉरी 8 आएगा, बाय मिस्टेक। हाँ जी देखो, क्या ये फिगर समझ में आ रही है? देखो किसी की समझ में ना आई हो तो बताओ। और टोटल मिला के होता है हमेशा ये वन। अब ये देखो, ये जो कुछ भी है, ये जो कुछ भी है, दिस इज एक्चुअली यूनियन। सब समझाएंगे अभी, थोड़ा सा बढ़िया सा बना देते हैं ऐसे, देखना ये तो बेकार सा लग रहा होगा ये। दिस इज यूनियन, बेकार लग रहा है, अभी चेंज कर देते हैं। अब कैसा लग रहा है बताओ, अब बताओ कैसा लग रहा है? कुछ बेटर हुआ? ठीक है, चलो सही है। अब ये देखो, ये पूरा मिला के कितना हो गया, 0.5, 0.13 हो गया, तो बाहर कितना आएगा? लेकिन ये तो वो एरिया है जिसमें अनिल ने क्वालिफाई करा, ये वो है जिसमें आशमा ने क्वालिफाई कर लिया, ये वो है ना अनिल ने करा ना आशमा ने करा, इसलिए पहले वाले का आंसर कितना आया था? याद आया कुछ, सेम आया था कि नहीं आया था पिछले वाले का आंसर? 0.5।
0.87 इसलिए आया था. यस यस यस. और अब एटलीस्ट उनमें से एक क्वालिफाई नहीं करेगा. इस क्वेश्चन को करने का मेरे पास एक तरीका और है. अनिल क्वालिफाई नहीं करेगा और आशमा क्वालिफाई नहीं करेगा, कम से कम एक क्वालिफाई नहीं करेगा. तो इसको अगर हम देखें तो ये बन सकता है ऐसे, अनिल ने क्वालिफाई नहीं करा, आशिमा ने नहीं किया, तो दोनों ने नहीं किया. ये भी एक मेथड हो सकता है. देखो भी देखो, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ है. अगर ये समझ में आ गया तो ये चैप्टर पकड़ में आ जाएगा पूरा का पूरा. अनिल क्वालिफाई नहीं करेगा 0.95, आशमा नहीं करेगी, दोनों नहीं करेंगे. मेथड तो यूज करा है. यस, मेथड वो यूज करा है. प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो गई थोड़ी सी. अब आप देख सकते हो कितना आ रहा है आंसर. तो योर आंसर इज 0.98. पॉइंट एट पॉइंट नाइन एट. यस यस यस. हाँ जी, समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ. गुड गुड गुड. अब इसका एक शॉर्टकट भी है हमारे पास. इसका शॉर्टकट सुनो आप, जरा शॉर्टकट सुनना इसका. जरा यहां से श्री डिमॉर्गन जी का उपयोग करते हुए अनिल डिमॉर्गन जी का यूज करते हुए हमने पूरे पर नोट लगा दिया और यूनियन का बन गया इंटरसेक्शन. और इसे लिख सकते हैं हम और डायरेक्ट आंसर आ गया 0.98. अब बताओ कैसा रहा ये. अप्रोच डिफरेंट है, आंसर सेम है, बात एक ही है, एक जगह फॉर्मूले का यूज हो गया, एक जगह सीधा था. बिल्कुल सीधा ही था. लास्ट पार्ट बहुत 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 इंटरेस्टिंग है बच्चों, ध्यान से सुनो. देखो कहते सिर्फ एक ने क्वालिफाई करा, सिर्फ एक ने, सिर्फ एक ने क्वालिफाई करा. तो आप देखिएगा लो, ये वो एरिया है जिसमें अनिल ने क्वालिफाई करा, सिर्फ अनिल ने, ओनली अनिल. और ये वो एरिया है जिसमें सिर्फ आशिमा ने क्वालिफाई करा. ए नॉट बी के जैसे, बी नॉट ए के जैसे. यस. अब देखो उन्होंने कहा है कि अनिल ने करा, सिर्फ एक ने करा, तो आंसर कितना आने वाला है 0.11.
ये दिख रहा है पर लाया कैसे जाए, तो शॉर्टकट तो ये है, जुगाड़ू बच्चे देखो क्या करते हैं, थर्ड पार्ट का सी पार्ट का आंसर सुनो, वो कह देते हैं कि अनिल ने किया, जुगाड़ देखना मेरा बच्चों, एंड आशिमा ने नहीं किया, या अनिल ने नहीं किया एंड आशिमा ने क्वालिफाई किया। तो आपको वेन डायग्राम से दिख रहा है, तो आपने क्या करा, अनिल यूनियन आशिमा में से अनिल इंटरसेक्शन आशिमा को माइनस कर दिया। ट्रिक देखो, ट्रिक विल इट वर्क और नॉट, यूनियन में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, दिख भी रहा है ना आपको, भाई आपको ये माइनस कर देना है, टोटल में से ये व्हाइट वाला पार्ट माइनस कर दो, आप आंसर आ जाएगा, तो मैथमेटाइजेशन भी हो गया इसका और पिक्चोरियल फॉर्म में भी आ गया। समझ में नहीं आया, देखो आपको निकालना है ये ब्लू वाले एरिया, सिंपल सी बात ये, तो ये जो पूरा कवर्ड होता है ये देख लो, ये जो पूरा कवर्ड होता है ये वाला, तभी बता रहे बच्चे देखो कैसे करना होता है, अब ये टोटल में से ये पूरा होता है यूनियन, अब इसमें से इंटरसेक्शन को माइनस कर दो तो ब्लू वाला पार्ट आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन को तो हम ट्रिपल स्टार सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी में होगा, चेक करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो वहां से बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है आपको। नेक्स्ट, दो पर्सन की कमेटी बनानी है, रेड बॉक्स मेथड, व्हाट इज रेड बॉक्स, रेड बॉक्स मेथड कौन सा है भाई, ये क्या है, ये कहां से आया, मेरे को भी ऐसी लग रहा है, ये कहां से, हाउ कैन वी डू बाय रेड बॉक्स मेथड, ये कैसे कैसे नाम बताते हो रेड बॉक्स मेथड, डरा रहे हो तुम हमें बच्चों, हमें देखो नाम वाम नहीं पता, हम क्वेश्चन कर देते हैं बस, देसी सिस्टम है अपना बिल्कुल, बॉक्स मेथड वी मेड, बॉक्स मेथड तो परम्यूटेशन में यूज होता था, परम्यूटेशन यहाँ पे कहाँ से आया, अच्छा ओके ओके मैं समझ गया समझ गया समझ गया, ओके सुनो सुनो बात बहुत अच्छी बोली है इन्होंने, एक मिनट अभी बताते हैं, मैं बताता हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं, तो समय में भी नहीं आता ना, बच्चे ऐसे ऐसे इंटेलिजेंट एक्ट करके दिखाते हैं हमको कि समझना पड़ता है, देखिए क्या आएगा, ये कह रहे हैं ये जो मेथड है ये रेड बॉक्स मेथड, इसको कह रहे हैं रेड बॉक्स मेथड, कैसे करते हैं आप इससे, रेड बॉक्स मेथड से बताएं आपको, जरूर बताएंगे भाई, रेड बॉक्स मेथड देखते हैं, रेड बॉक्स मेथड एक्चुअली हमें आइडिया देता है कि सिचुएशन क्या है, ठीक है बताते हैं आपको, खाली करते हैं, ये हमारे गॉड साहब हैं, 100 out of 100 लाते हैं सारे पेपर में, सब में 100 out of 100 आते हैं इनके, तो इनकी बात तो बहुत सुननी पड़ती है, पता लगेगा बच्चे ऑफलाइन में आओगे जब, इनका नाम है अंश, स्कूल बताओ कौन सा बेटा आपका, पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव है हमारे गॉड साहब, देखिए सिचुएशन ये है कि ओनली वन विल क्वालिफाई द एग्जाम, आप यहां देखो इस जगह
और क्लियर करते हैं। देखिए इसे सही से बनाते हैं। ये कहते हैं या तो अनिल क्वालिफाई करेगा एंड आशिमा भी करेंगे। यहाँ पे हमने बोला कि अनिल करेंगे आशिमा नहीं करेंगे, अनिल नहीं करेंगे आशिमा करेंगे। यहाँ पे अनिल करेंगे आशिमा नहीं करेंगे या दोनों नहीं करेंगे, इससे अलग कुछ और हो सकता है? कुछ भी और हो सकता हो, कुछ भी हो सकता हो। अब देखो उन्होंने कहा है ओनली वन विल क्वालिफाई, तो एक तो ये केस हो गया ओनली वन विल क्वालिफाई में, क्योंकि यहां आशिमा क्वालिफाई कर रही है। एक ये केस हो गया क्योंकि यहाँ अनिल क्वालिफाई कर रहे हैं आशिमा नहीं कर रहे। इसे मैं तो आपको टाइम स्टैम्प से दिखाता हूँ। यहाँ पे आशिमा कर रही है, यहाँ अनिल क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ अनिल नहीं कर रहे, आशिमा नहीं कर रहे, यहाँ पे दोनों क्वालिफाई नहीं कर रहे, यहाँ पे दोनों ही क्वालिफाई कर रहे, ठीक। तो हमारे फेवरेबल केस है ये दोनों, क्योंकि इसमें एक एक क्वालिफाई करा है। अगर मुझे ये निकालना है, अगर मुझे ये फाइंड करना है तो अनिल नो, आशिमा यस, अनिल यस, आशिमा नो, इक्वल टू वन माइनस अनिल इंटरसेक्शन आशिमा। अनिल ने भी क्वालिफाई करा, उन्होंने भी करा, और अनिल ने नहीं करा एंड आशिमा ने भी नहीं किया। ऐसा करने से अंश हम रेड बॉक्स मेथड यूज कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ बताओ जल्दी से। अभी पूरा नहीं हुआ ये क्वेश्चन, अनिल ने भी नहीं करा, आशिमा ने भी नहीं किया। हमने निकाला था नहीं, कितना आया था 0.87। क्या लिखा हुआ है, दो दबा लिख दिया, एक बार ठीक है। और दो देखो, अनिल ने क्वालिफाई करा एंड आशिमा ने भी क्वालिफाई करा, बोथ क्वालिफाइड, तो ये तो आ गया 0.02। अनिल ने भी नहीं करा, आशिमा ने भी नहीं करा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी 0.87 पार्ट ए से। तो चेक करो क्या हमारा 0.11 आया या नहीं। थर्ड मेथड देखो भाई, थर्ड मेथड आपके सामने है, एक फोर्थ मेथड भी है, एक फोर्थ मेथड भी है, हालांकि वो आपको अलाउ नहीं होगा, बट मैं करके दिखा सकता हूँ, बहुत बढ़िया है वो भी। चेक करना पड़ेगा मुझे, कुछ कंडीशन होती है उसमें। लेट मी चेक नॉट, ये सॉल्व करना पड़ेगा। मेथड तो बहुत सारे हैं बच्चे हमारे पास, देखो आपके सामने आ रहा है, चेक करो कितना आ रहा है। नहीं ये वाला नहीं चलेगा, इसमें इसमें कुछ कंडीशन अलग है, छोड़ इतना ही चलेगा बस, जो बताए इतनी है बस और नहीं, ठीक है जी। नेक्स्ट पर आ जाए, एक कमेटी में दो पर्सन सेलेक्ट होने हैं, वी हैव टू मैन
एंड टू विमेन, आपने निकाले चार में से दो बंदे और वो बंदे ही नहीं आए, नो मैन हुआ, तो वो दोनों के दोनों इसका मतलब कहां से आए? इन दो विमेन में से सिलेक्ट हुए। क्या ये पार्ट समझ में आया आपको या नहीं आया बताओ बच्चों, क्या ये पार्ट समझ में आ गया? ओके, एक बच्चे की समझ में आया, बस बाकी बच्चे बच्ची बच्ची। ओहो, 1/6 कैसे आया ये? 1/2 ही आ रहा होगा शायद। 1/6 अंश कैसे आया? अच्छा 1/6 से आ रहा है, यस 1/6 आ रहा है। माई मिस्टेक। एक्चुअली ये ऐसा हुआ और मुझसे गलत हुआ। नेक्स्ट वन मैन, सुनिएगा, आपने चार में से दो पर्सन को सिलेक्ट करा और उसमें से एक वन मैन है। अब वो वन मैन है तो इसका मतलब एक तो हो गया मैन एंड एक और क्या है फिर? वुमेन। आपने चार में से दो पर्सन को सिलेक्ट करा, दोनों के दोनों मैन आ गए, इसका मतलब वो यहां से सिलेक्ट हुए, वो दोनों के दोनों मैन आ गए। लो जी, सॉल्व भी कर दिया बच्चों ने। बिल्कुल ठिकाने पे लगता जा रहा है, समझ में आया नहीं आया बताओ बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नेक्स्ट देखते हैं। बता दो जी, बताओ। कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज, बताओ कौन सी नहीं हो सकती? डी, डी को तो मना कर दिया सबने, माइनस की प्रोबेबिलिटीज है, ई को ही मना कर दिया। ओके, ये वन से ग्रेटर है इसलिए, और सी भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इनका सम इज नॉट इक्वल टू वन। बी हो सकती है, समझ में आया बच्चों? यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी, डर नहीं है वाला। नेक्स्ट चलते, एक कॉइन को दो बार टॉस करा, कम से कम एक टेल आ जाए, कम से कम एक टेल। देखो एक कॉइन को दो बार टॉस करोगे तो एच 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 टी टी एच टी 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 टी, कहते कम से कम एक बार टेल आए। एक दो तीन केस हैं ऐसे, बस क्वेश्चन खत्म, डन। बहुत बढ़िया, हाँ जी, नेक्स्ट एक है।
HT is 1/7. क्या बता रहे हो अंश? इन थ्योरी प्रोबेबिलिटी HT is 1/7. अरे वो देखना पड़ेगा, वो अपने आप उन्होंने कुछ बनाया होगा, हम चेक कर लेंगे. थर्ड क्वेश्चन करोगे? परसों पेपर भी है. किस चीज का पेपर है? ओके चलिए, तो फिर आज को रोकते हैं.